वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम आपके साथ डीओई की वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स की मैंने आपको लास्ट क्लास में 5 जुलाई की वर्कशीट नंबर 1 करवाई थी। आज हम वर्कशीट नंबर 2 करेंगे और मेरा यकीन मानो भाई, बहुत ही ईजी वर्कशीट है। इस वर्कशीट को करने के बाद ना, मतलब मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड करा तो भाई एकदम मजा आ गया। मैं देख पा रहा हूँ कि डीओई चाहता है कि 10th क्लास का बच्चा बेसिक लेवल से स्टार्ट करे और मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो मैं अभी आपको करवाऊंगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड आपको जैसा कि मालूम है, सीबीएसई ने बोला है कि इंटरनल असेसमेंट पर पूरा कंप्लीट फोकस करना है, तो आप लोगों के लिए ये डीओई वर्कशीट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, उस पोर्टफोलियो के अंदर आपके सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन होंगे। आपको एक पूरी अलग से कॉपी मेंटेन करनी है और इस वाली वर्कशीट का तो सोल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा और साथ में प्रोवाइड भी करवा दूंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। वहां पे आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा और उस पीडीएफ को जैसे ही आप ओपन करोगे तो उसमें बताओ क्या होगा? यस, इस वीडियो का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो आप वीडियो को देखो, अच्छे से बातें समझो और जो मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है उसको डाउनलोड करके जल्दी से टेपा टेपी कर लो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है? आइए आपको दिखाते हैं वर्कशीट नंबर 2 कैसी है। बहुत मजेदार है भाई, बहुत मजेदार है। देखिए जी, दिस इज अवर वर्कशीट, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। भाई लास्ट क्लास में एक बच्चा हमसे पूछ रहा था कि डीओई का मतलब क्या होता है, तो भाई डीओई का मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है? बोर्ड ऑफ एजुकेशन है ये दिल्ली का। और अब आप यहाँ पे देखो भैया, डेट है 7 जुलाई, आज की डेट है, तो एकदम 100% आपको करेक्ट वर्कशीट करवाई जा रही है। जब आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो अपना यहाँ पे नेम लिख लेना और आपकी जो क्लास टीचर है उनका नाम यहाँ पे लिख देना। वर्कशीट की हेडिंग है भैया एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आपको टोटल मिला के 7 to 8 आइडेंटिटीज दी हुई हैं। देखो आप ये देख पा रहे हो, छोटी छोटी आइडेंटिटीज आपको दी हुई हैं। एंड भाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने पहले आपको डायरेक्ट जीरोज पर ना जाके पहले आइडेंटिटी सिखाया, क्योंकि जब आपको आइडेंटिटी मालूम होगा तो आप अपने आप ही जीरो फाइंड कर लोगे। तो मुझे डीओई का ये वाला पर्पस बहुत अच्छा लगा कि पहले बच्चों को आइडेंटिटी सिखाई जाए और उसके बाद उनको क्वेश्चंस करवाए जाएं। बहुत मजेदार है, टोटल मिला के आप ये देख पा रहे हैं 8 आइडेंटिटीज हैं और हर आइडेंटिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे इनका आंसर बताना है। और इसके बाद आप यहाँ पे देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन भी इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। बस इन्होंने बोला हुआ है कि जो करेक्ट जीरो है उसको सर्कल कर दो। मैं आपको हर एक चीज करवाऊंगा कि सर्कल करेक्ट आंसर कैसे फाइंड करना है, सर्कल क्या करना है, क्या करना है, ठीक है? और यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द जीरोस, तो इस वाले क्वेश्चन पे हमारा ये वाला वर्कशीट कंप्लीट होगा। आइए अब पीपीटी पर चलते हैं और इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आइए फटाफट से स्पीड से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जी, सबसे पहली आइडेंटिटी है अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमें बताना है सबसे पहले x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा। लड्डू लेवल का क्वेश्चन है भाई, अगर a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है तो x प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy होगा। यहाँ पे इन्होंने देखो 2xy लिख कर दिया हुआ है, आपको फिलअप करना है, तो आप यहाँ पे लिख देना x का स्क्वायर और आप यहाँ पे लिख देना y का स्क्वायर। स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, ये मैंने मिस्टेक कर दी, सिर्फ और सिर्फ x आएगा। अब इसी का यूज करके हमें बताना है कि 3a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा। अब यहाँ पर बच्चे ना मिस्टेक कर सकते हैं, डेट इज वाई इन्होंने ये वाला पार्ट आपको करने के लिए दिया है। फॉर्मूला है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, तो यहाँ पर एक्स की जगह पे ना ये वाला 3a आएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसको 3a का होल स्क्वायर, ठीक है? फिर वाई की जगह पे लिखेंगे इसको बी और पावर 2 सेम रहेगा, बी का स्क्वायर। फिर 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे आएगा 3a और वाई की जगह पे आएगा बी। कितना सिंपल है, ए की जगह पे हमने 3a नोट कर दिया और बी की जगह पे हमने सिंपल बी नोट कर दिया। कितना सिंपल क्वेश्चन है।
3a का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर आएगा। अब आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो हमारा कंप्लीट आंसर आ गया, इट इज 6ab। कितना सिंपल क्वेश्चन है भैया, 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 6ab हमारा आंसर आ गया। सो हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आपको जब आप कॉपी में नोट करोगे ना तो आप ऐसे लिखना, देखो मैं बता देता हूँ, जैसे 7th जुलाई है तो अपने रजिस्टर में इस तरफ को हेडिंग लिख देना 7th जुलाई 2021, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देना कि हम अभी क्लास वर्क कर रहे हैं, CW है ना ये, तो वर्कशीट मतलब CW है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख देना, हेडिंग लिख देना वर्कशीट नंबर 3, सॉरी 3 कह रहा हूँ, वर्कशीट नंबर 2, दिस इज द वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 लिखने के बाद इसकी हेडिंग लिख देना अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अभी मैंने आपको दिखाई दी ना वो वाली पूरी, आप यहाँ पे नोट कर देना सेंटर में, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, और इसके साथ में जो इसका पूरा नाम था एंड पॉलिनोमियल के 0। उसके बाद आप यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना आइडेंटिटी 1, ठीक है, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, आप लोग ब्लैक पेन से लिखना आइडेंटिटी 1। आइडेंटिटी 1 में जो इन्होंने हाईलाइट करा हुआ इसको नोट कर लेना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये नोट कर लेना। इसके बाद ब्लू पेन से आपको ये दोनों पार्ट्स करने हैं, फिर यहाँ पे लिखना है ऐसे फर्स्ट पार्ट करके, आपको बताना था एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा, तो जो मैंने यहाँ पे आपको आंसर बताया वो आप यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर सेकेंड पार्ट ध्यान रखना ब्लू पेन से करना है ये वाला, ठीक है, ये पूरा का पूरा काम ब्लू पेन से होगा। 3ab का होल स्क्वायर इक्वल टू, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बताया दो लाइंस का आंसर है, तो यहाँ पे करके आप इसको फिल कर लेना। तो इस तरह से आपको अपने करना है ये वाला वर्कशीट, अपनी कॉपी में नोट करना है। देखो मैं आपको इसको तरीके से नोट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि CBSE ने बोला है कि इंटरनल असेसमेंट के नंबर हैं, आपका ना एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम राम है तो राम नाम का एक फोल्डर बनाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि राम भैया ने सारे काम कंप्लीट करे हैं। कंप्लीट करे हैं तो टाइम पर करे हैं, अगर टाइम पर करे हैं तो क्या अच्छे से करे हैं या ऐसी खाना पूर्ति कर दी, खाना पूर्ति का मतलब है चालू काम कर दिया, तो चालू काम नहीं करना, अच्छे से करना है, मेहनत से कर रहे हैं, CBSE से नंबर हमें लेने हैं, ये फ्री के नंबर है, जस्ट आपको अच्छे से नोट करना है, फ्री के नंबर मिल जाएंगे। आइए इसी तरह से आप आइडेंटिटी 2 कर लेना। आइडेंटिटी 2 कहती है भाई a माइनस बी का स्क्वायर, बताओ यार अगर a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो a माइनस बी के स्क्वायर में माइनस 2ab हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये इन्होंने हाईलाइट करा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर बेसिक लेवल क्वेश्चन, आपको बताना है x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, तो ये सिंपल है, यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे y का स्क्वायर आएगा और ये माइनस 2xy रहेगा, जो पहले से लिखा हुआ है वो पहले लिखे रहने दो, आपको बस x नोट करना है और y नोट करना है, ये हमारा आंसर है। कितना सिंपल हो गया ये तो यार। आगे देखो सेकंड पार्ट, 3a माइनस बी, तो भाई हम यहाँ पे इसको लिखेंगे x का स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर, कॉपी पेस्ट करना है ऊपर से नीचे बस, 3a का स्क्वायर एडिशन, y की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे लिख देंगे 3a और y की जगह पे लिख देंगे यहाँ पर b। भाई जो ऊपर फॉर्मूला था उसी को तो कॉपी करना है, इससे सिंपल क्या होगा, अब 3a का स्क्वायर बन जाएगा 9a स्क्वायर, b का स्क्वायर बन जाएगा b स्क्वायर, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो माइनस 6ab ये हमारा आंसर आ गया। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको आइडेंटिटी 1 वाला, आप लोग इसके नीचे पेंसिल से लाइन लगा देना कि भाई आइडेंटिटी 1 के क्वेश्चन पूरे हो गए, फिर आइडेंटिटी 2 लिखना ब्लैक पेन से और फिर ये दो क्वेश्चन कर देना ब्लू पेन से, ठीक है। आइए आइडेंटिटी 3 करेंगे, बेसिक लेवल आइडेंटिटी, 7वीं क्लास से आप ये आइडेंटिटी पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ना यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दी, गलत लिखा हुआ है, आप लोग इसको हाईलाइट नहीं करोगे, देखो मैं आपको मिस्टेक भी बता रहा हूँ, DOE की जो वर्कशीट होती है ये एकदम शानदार है नो डाउट, लेकिन कहीं कहीं पे मिस्टेक भी होती है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर हाईलाइट करेंगे। तो आइडेंटिटी नंबर 3 रहेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि आप मुझे ये बताओ यार ये जो माइनस ए बी है और प्लस ए बी है ये कटना चाहिए था ना, इन्होंने यहाँ पे क्रॉस ही नहीं करा हुआ,
तो इन्होंने मिस्टेक करी है ना, यहाँ पे इन्होंने क्रॉस ही नहीं करा, इसको क्रॉस करना चाहिए था इनको। तो जो हाईलाइटिंग है वो गलत है, हाईलाइट होना चाहिए था ये फर्स्ट वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर क्या होगा। तो ए की जगह पे टी लिखा हुआ है और बी की जगह पे एस लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, टी प्लस एस टी माइनस एस, ठीक है ना, टी प्लस एस टी माइनस एस। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको टी प्लस एस मल्टीप्लाई बाय टी माइनस एस, ठीक है। अब सेकंड पार्ट कहता है कि 96 को 104 से मल्टीप्लाई करके बताओ। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे इसके अंदर, वो यहाँ पे ऐसे करेंगे 104 मल्टीप्लाई बाय 96, देन 64 जा मल्टीप्लाई करेंगे 24, 61 जा 6, देन यहाँ पे क्रॉस का साइन, 94 जा करेंगे 36, 91 जा 9। अरे बाबू आपको ऐसे नहीं करना, आपको आइडेंटिटी का यूज करके फाइंड करना है आंसर क्या होगा। तो आप जब आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो आपको इस 96 को 100 के नियर बाय कन्वर्ट करना है, इसको 100 के आसपास की वैल्यू पे तोड़ना है। तो जो 96 है हम उसको लिख देंगे 100 माइनस 4। बताओ कितना सिंपल है यार, जो 96 होगा उसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4, और आगे लिखा हुआ है ये 104, तो 104 को आप ऐसे करके लिख दो भाई 100 प्लस 4। कितना सिंपल हो गया ये, तो 100 माइनस 4 और 100 प्लस 4। सर मुझे एक डाउट आ रहा है, बताओ यार मैं आपके लिए बैठा हूँ, आप बताओ डाउट पूछो आप। आपका डाउट आ रहा होगा सर अगर यहाँ पे हमारे पास 98 हो और यहाँ पे अगर 102 हो तो क्या करेंगे। तो भाई देखो इस 98 को लिख देंगे 100 माइनस 2 और 102 को लिख देंगे 100 प्लस 2। कितना सिंपल हो गया। अब इसका ना आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या बनेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा आप लोग इसका आंसर बताना। सो इट इज 100 माइनस 4 एंड 100 प्लस 4, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 100, 100 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 100 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 100 को मल्टीप्लाई करना है, 0 को मल्टीप्लाई करा 0, 0, 0, फिर 0 को मल्टीप्लाई करा 0, 0, 0, फिर यहाँ पे दो क्रॉस आएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0, 1, यानी कि इसका एडिशन आएगा 1, 0, 0, 0, 0। यहाँ पे लिख देंगे 1, 0, 0, 0, 0 माइनस 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। अब आपको 10,000 में से 16 को माइनस करना है, तो ये है हमारा 10,000, इसमें से 16 माइनस करना है। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 9984। और अगर आप यहाँ पे इसको भी ऐड करते ना तब भी आपका आंसर 9984 आता, लेकिन हमें इसको डायरेक्ट नहीं करना था, आइडेंटिटी का यूज करके करना था, ठीक है। डीओई की वर्कशीट का मतलब है कि आप आइडेंटिटी को यूज करना सीखिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं सीखना। डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, सब सबको पता है ये, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये एज इट इज का एज इट इज सॉल्यूशन आपको डाउनलोड के लिए मैं दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ वहां से इसको डाउनलोड कर लो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप लोग मुझे बता देना आंसर क्या है, ठीक है। चलिए आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी नंबर 4 कहती है अगर x प्लस ए और x प्लस बी को मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होगा x का स्क्वायर एडिशन ए प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई बाय ए बी के। सिंपल क्वेश्चन है, किसके इक्वल होगा, एक्स के स्क्वायर के एडिशन ए प्लस बी को ऐड कर दो और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, फिर से एडिशन ए बी को मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो ये है 104 और 103। भाई मैंने आपको बताया ना हमें इनको 100 के आसपास तोड़ना होता है, तो देखो इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, ये 100 पहले से लिख के दिया हुआ है, आपको बस यहाँ पे 4 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 104 था तो 104 को वी कैन राइट 100 प्लस 4, और इसके साथ में है ये 103। अब हमें इस आइडेंटिटी का यूज करके बताना है कि आंसर क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से फोकस करके देखो कि हमारे x का वैल्यू यहाँ पे 100 है, a का वैल्यू हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 है और हमारे b का वैल्यू 3 है। तो इन सभी वैल्यू में 100, 4 और 3 को सब्सिट्यूट कर दो,
तो इसका सोल्यूशन मैं थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ ताकि मेरे पे स्पेस आ जाए। सबसे पहले करना है x का स्क्वायर। देखो यहाँ पे x का स्क्वायर है ना, तो x का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 100 का स्क्वायर। फिर इसमें ऐड हमें a प्लस बी करना है, a प्लस बी यानी कि 4+3 करना है, तो 4+3 यहाँ पे लिख दिया। इसके साथ इस x को मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू 100 है तो 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर a और b को मल्टीप्लाई करना है, तो इसी 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 लिख दिया। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 100 का स्क्वायर। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, 100 का स्क्वायर 10,000 था तो यहाँ पे कॉपी करके लिख देंगे 10,000। फिर एडिशन, 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 100, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये बन जाएगा हमारे पास 10,000। 10,000 में ऐड करेंगे 7 × 100 यानी कि 700, और इसमें ऐड कर देंगे 12। यहाँ पे ऐड कर लेंगे 10,000, 10,000 में 700 ऐड करना है और 12 ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा 10712। आंसर कितना आ गया? 10712, तो यहाँ पे लिख देंगे 10712। ठीक है, कितना सिंपल हो गया ना ये वाला। अब आप यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा है कि भाई x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6 जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए, तो बताइए जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसका आंसर क्या होना चाहिए। भाई ये तो बहुत दुविधा हो गई, तो मैं आपको देखो इसको करने का एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखते जाना, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर हमारा x का स्क्वायर है। क्या है? यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो हमें इस x को यहाँ पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिस पर हमारा आंसर x का स्क्वायर आ जाए। तो अगर मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो हमारा x का स्क्वायर बनेगा, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा हमारा x। ये बात एकदम कंफर्म है, वहां पे हमारा आंसर आएगा x, ठीक है? अब इसके बाद आप ये देखो कि भाई यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है प्लस का 6 और यहाँ पे है प्लस का 2, तो प्लस के 2 को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर प्लस का 6 हो जाए? प्लस के 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर प्लस का 6 हो जाए? आप कहेंगे सर प्लस के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई 3 × 2 6 होता है, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। लेकिन यहाँ पे एक चीज की गड़बड़ है, ये वाला आंसर मैंने तो आपको फाइंड करवा दिया क्योंकि मुझे मालूम था इसके अंदर गड़बड़ है। तो अब आप क्या करेंगे, अपने क्लास टीचर को कॉल करके बोलेंगे कि मैम जो आज की वर्कशीट है उसके अंदर ये आइडेंटिटी नंबर 4 के सेकंड में यहाँ पर जो x लिखा हुआ है ना, ये गलत है, इस x की जगह पे यहाँ पे 5x होना चाहिए था, तब जाकर ये वाला क्वेश्चन सही होता। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अपने क्लास टीचर को कॉल करेंगे और उनको बोलेंगे कि मैम आइडेंटिटी नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो गलत है, आप उसको सभी बच्चों को करेक्ट करवा दो। और जैसे ही आप अपने क्लास टीचर को ये बात बताएंगे, आपका क्लास टीचर बोलेगा वाह बेटा तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, इतनी मेहनत से पढ़ रहा है भाई तू, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा अच्छा फील होगा आपको भी, है ना? तो आप अपने क्लास टीचर को बताना कि मैम ये वाला पार्ट इसका गलत है। और गलत क्यों वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 5 क्यों लिखा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे इन दोनों को ऐड करना होता है, तो 3 और 2 को ऐड करने पे तो आंसर 5 आना चाहिए ना, डेट इज वाई मैंने बोला कि यहाँ पे आंसर 5 आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाली बात समझ गए हैं और अपने क्लास टीचर को ये बात आप बता देंगे, ठीक है? एंड अगेन मैं आपको छोटा सा होमवर्क दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो यू हैव टू टेल मी 102 मल्टीप्लाई 104 कितना होगा, 102 मल्टीप्लाई 104 कितना होगा, आपको यही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है और लास्ट का कंफर्म आंसर बताना है कि सर हमने आंसर ये फाइंड करा है। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप चीजें सीख भी जाओगे। देन आइडेंटिटी नंबर 4 है, वेरी वेरी सिंपल, a प्लस बी की पावर 3 होती है, a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab a प्लस बी, a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी, कितना सिंपल हो गया। अब आप यहाँ पे देखो इन्होंने क्या करा हुआ है, ये कह रहे हैं कि भाई बताइए 101 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो इन्होंने क्या करा होगा, मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, 101 की पावर 3 को
अगर हम 100 में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 100 प्लस 1 की पावर 3। तो जो ये 100 है ये ए का काम करेगा और जो प्लस का 1 है ये बी का काम करेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो सबसे पहले ए की पावर 3 यानी कि 100 की पावर 3, फिर उसके बाद 3 ab, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसके साथ ए प्लस बी, तो 100 प्लस 1, और लास्ट में बी की पावर 3 करनी है तो 1 की पावर 3। ए की पावर 3, 100 की पावर 3, 3 into a into b, 3 into 100 into 1, ब्रैकेट ए प्लस बी तो 100 प्लस 1, फिर बी की पावर 3 तो 1 की पावर 3। तो अब आप यहाँ पे जो जो मिसिंग है यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो, ठीक है। 100 की पावर 3 लिखा हुआ है, वेरी गुड। यहाँ पे आएगा 3 के साथ 100, देखो कॉपी पेस्ट करना है, 3 के साथ 100, उसके बाद यहाँ पे 1, ठीक है। फिर ये 101 यहाँ पे लिखा हुआ है, 101 प्लस 1 ये रहा, और 1 की पावर 3 लिखा हुआ है। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो 100 की पावर 3 करेंगे तो ये आएगा 1, 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, तो एडिशन का साइन लगा के यहाँ पे 300, देन 100 में 1 प्लस करेंगे तो बनेगा 101, ब्रैकेट क्लोज, और 1 की पावर 3 करेंगे 1। तो ये सब काम हमें अपने आप से करना है, ठीक है। ये सेम रहेगा 100000000 प्लस 300 को 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो 101 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं, डबल जीरो लगा देंगे, तो 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, और डबल जीरो लगा दिया, सो इट इज 30300, और लास्ट में 1 आएगा। यहाँ पे आप ऐड कर लो 100000, 0 को ध्यान से नोट करना है भैया, ठीक है। उसके बाद है 30300, तो इट इज 30300, और लास्ट में है 1, इसको आप ऐड कर लो भाई। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप यहाँ पे नोटिंग कर लो, इट इज 1030301। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे लेवल वाले क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, बच्चे लेवल वाले क्वेश्चन। अब आप देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई 125x की पावर 3 प्लस 3, फिर डैश डैश 5x प्लस 3y, फिर से डैश, तो बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए। अरे यार आप ये देखो, आप यहाँ पे, मैं दोबारा से आइडेंटिटी नोट करता हूँ, ए प्लस बी की पावर 3 इक्वल टू ए की पावर 3 प्लस ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस बी की पावर 3। आप यहाँ पे ये देखो यार, जो यहाँ पे ए प्लस बी है वही तो यहाँ पे ए प्लस बी है, दोनों जगह पर ए प्लस बी सेम है, तो यहाँ पर जो ये वाला ब्रैकेट है ये ए प्लस बी ही तो है भाई, ये वाला जो ब्रैकेट है ये ए प्लस बी ही तो है, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए ए की जगह पे 5x और बी की जगह पे 3y, और इसकी यहाँ पे ऐसे होल पावर 3। सिंपल हो गया कितना। इसी तरह आप यहाँ पे 3 के साथ लिख दो कि भाई 3 के साथ आएगा ए, और ए हमने फाइंड करा है 5x, तो इस वाले ब्लैंक की जगह पे आएगा यहाँ पे 5x, और इस वाले ब्लैंक की जगह पे आएगा यहाँ पे 3y, ये मल्टीप्लाई आ गया। कितना सिंपल है, हमने क्या करा, इस वाले ए प्लस बी को ए प्लस बी से कंपेयर कर लिया और वहां पे फिल कर दिया हमने, ए का वैल्यू 5x है और बी का वैल्यू 3y है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। आइए आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिटी नंबर 6 देखो। आइडेंटिटी नंबर 6 माइनस वाली है, ए माइनस बी की पावर 3 ए की पावर 3 माइनस 3ab ए माइनस बी माइनस बी की पावर 3। पहले इसका सेकंड वाला करेंगे और उसको उड़ाएंगे। यहाँ पे डैश है यानी कि यहाँ पे a माइनस बी होना चाहिए था, और ये रहा a माइनस बी भाई। अरे ये लिखा हुआ a माइनस बी, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए 4a माइनस 2b की पावर 3। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसी तरह यहाँ पे 3 के साथ a की जगह पे आएगा 4a और b की जगह पे आएगा 2b, तो ये सेकंड वाला हमारा फिनिश हो गया। अब हमें फर्स्ट वाला करना है। तो आप यहाँ पे देखो यार, ये जो 99 लिखा हुआ है इन्होंने, जो 99 की पावर 3 लिखी हुई है, हम इसको लिख देते हैं 100 माइनस 1 की पावर 3। अब इस वाले को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर देंगे। तो सबसे पहले a की पावर 3 यानी कि 100 की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई a, a का मतलब है 100 और b का मतलब है 1, ब्रैकेट a प्लस बी यानी कि 100 माइनस 1,
उसके बाद माइनस बी की पावर 3 तो माइनस 1 की पावर 3 आ गया। अब आपको इसको देख करके यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, तो 100 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ए की जगह पे यहाँ पे 100 आएगा, बी की जगह पे यहाँ पे 1 आएगा, और बाकी हमें आगे अपने आप सोल्व करना है। तो ये बन जाएगा 100000, टोटल 6 जीरो आ जाएगी, माइनस ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 99, और माइनस कर देंगे 1। यहाँ पे दोबारा से 1 के बाद 6 जीरो सेम रहेगी, 2 3 4 5 6, माइनस इनको मल्टीप्लाई कर लो, 99 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 2 29, सो इट इज 297। उसके बाद ये 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो आ गई, माइनस 1 कर दिया, इन सबको माइनस करोगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 9 7 00 में से 1 माइनस कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 297, सॉरी 7 नहीं आएगा यहाँ पे, 6 आएगा, 29699, 1 माइनस करा ना तो 29699। उसके बाद हम 1 1 2 3 4 5 6 में से 29699 को माइनस कर लेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, आपका फोकस मुझे यहाँ पे चाहिए। 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 आएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 में से 9 माइनस करा 0 आ गया, 9 में से हमने 2 माइनस करा तो 7 आ गया, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 आ गया। तो वी कैन राइट अवर आंसर विल बी 970301, 970301, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद देखो सेवेंथ वाला एकदम सिंपल है, कहते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 इक्वल है x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, 2xy, 2yz, 2zx। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, फिर हमें करना है y का स्क्वायर यानी कि 2b का स्क्वायर, फिर हमें करना है z का स्क्वायर यानी कि क्या आएगा भाई, 3 आएगा यहाँ पे, 3c का स्क्वायर, फिर हमें करना है ये 2xy, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे a और b की जगह पे 2b, फिर इसमें ऐड करना है 2yz, सो 2 मल्टीप्लाई y की जगह पे 2b आएगा, y की जगह पे 2b आएगा और z की जगह पे 3c आएगा, फिर से एडिशन 2zx, ये लास्ट वाला बचा हुआ है 2zx, तो 2 मल्टीप्लाई z की जगह पे 3c आएगा एंड एक्स की जगह पे सिंपल ए आएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। सो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, देखो भाई यहाँ पे इस 2 का भी स्क्वायर होगा अलग से, 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, साथ में ए भी आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, 4 को 3 से करेंगे 12 आएगा, तो ये बन गया 12bc। 2 को 3 से करेंगे 6 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ए, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, कितना सिंपल है यार, मल्टीप्लाई करना है सिंपल। 2 को 2 से करा 4 आया, 2 को 2 से करा 4 आया, 4 को 3 से करा 12 आ गया, सिंपल मल्टीप्लाई है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये हमें दिया हुआ है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल है माइनस 3xyz, तो इसका वैल्यू होगा x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अपने को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखो ये वाला भी मिस्टेक है, आप इस वाले क्वेश्चन को ऐसे लिखो, ये वाला ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे आएगा 2a की पावर 3, फिर यहाँ पे आएगा b की पावर 3 और यहाँ पे आएगा 4c की पावर 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे 24abc। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए। आप अपने टीचर को बता देना कि मैम इसका जो आइडेंटिटी नंबर 8 का क्वेश्चन है ना, वो भी मिस्टेक है, तो उसके अंदर आप पावर 3 पावर 3 पावर 3 लगा दो। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की जगह पे ये 2a ये b और 4c आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, सबसे पहले 2a आएगा, उसके बाद b आएगा, उसके बाद 4c आएगा, फिर हमें ब्रैकेट में देखो क्या करना है, ये x का स्क्वायर करना है, x यानी कि 4a का स्क्वायर करना है, सॉरी मैंने तो आपको आंसर बता दिया, 2a का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर हमें y का स्क्वायर करना है,
अपने मन ही मन में करने की कोशिश करो, ठीक है। y की जगह पे ये b है तो हमें b का स्क्वायर करना है, तो सिंपल सिंपल b स्क्वायर आएगा। फिर हमें z का स्क्वायर करना है यानी कि 4c का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। उसके बाद अपने को x इंटू वाई करना है, तो माइनस x की जगह पे 2a लिखेंगे और y की जगह पे b लिख देंगे। फिर माइनस yz करना है, तो y की जगह पे b नोट करेंगे और z की जगह पे 4c नोट करेंगे। फिर माइनस zx हमें नोट करना है, तो z की जगह पे 4c आ जाएगा और हमारे x की जगह पे सिंपल 2a आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको लिखेंगे 2a + b + 4c ब्रैकेट इट इज 4a² + b² + में 16c² ये बन जाएगा -2ab। फिर उसके बाद -4bc, फिर उसके बाद देखो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो इट इज 8ca। तो ये हमारा आंसर आ गया। बेसिक लेवल है और बहुत इजी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे और ये हमारा स्टार्ट होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्यक। हमें जीरोस बताने हैं पॉलिनोमियल के, और इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल बोला हुआ है। देखो अगर हमारा पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो होता है, अगर हमारा पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो होता है तो इस केस में जो हमारे एक्स का वैल्यू निकल के आएगा, जो भी हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे उसी एक्स की वैल्यू को पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पी एक्स का वैल्यू x+5 है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि हमारा जो पी एक्स का वैल्यू है वो जीरो है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। उसके बाद पी एक्स का वैल्यू नोट करेंगे, तो पी एक्स का वैल्यू ये है यहाँ पे x+5, तो यहाँ पे लिख देंगे x+5 और इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से। अब आपने 7th क्लास और 8th क्लास एंड ऑल्सो 9th क्लास में पढ़ा है कि भाई ये प्लस का 5 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 - 5 यानी कि x विल बी -5। ये हमारा आंसर आ गया। जो x का आंसर होता है वही हमारा जीरो होता है। तो देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है -5 जो है वो इसका जीरो है, पॉलिनोमियल का जीरो है। तो हमें अब इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहते हैं सर्कल द करेक्ट जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि ये वाला हमारा पॉलिनोमियल है, यहाँ से ये वाला हमारा पॉलिनोमियल है और इधर से ये वाला हमारा पॉलिनोमियल है। हमें बताना है कि इनके जीरोस क्या हैं और जो जीरोस हैं उसके ऊपर ऐसे करके सर्कल करना है। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे और a+4/7 को जीरो से इक्वेट कर देंगे। भाई 4/7 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि a = 0 - 4/7, सो वी कैन राइट a = -4/7। देखो जरा कहाँ पे आइए, यहाँ पे 4 है इस पे सर्कल नहीं करेंगे, 7 पे सर्कल नहीं करेंगे, इस पे सर्कल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया, -4/7 आंसर है, ठीक है। इसके बाद सेकंड करेंगे, तो सेकंड हमें दिया हुआ है y - 3/2, इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, ये यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि y = 0 + 3/2, और जब जीरो में कुछ ऐड होगा तो वो सेम नंबर आएगा यानी कि 3/2 आएगा। तो देखो जरा 3/2 कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, हमारा आंसर प्लस का है तो हम इसके ऊपर सर्कल कर देंगे, ठीक है। इसी तरह थर्ड को सॉल्व करते हैं। सो ये है अपने पास 5a + 6 = 0, सबसे पहले 6 यहाँ पे जाके माइनस, तो 5a = -6, उसके बाद ये 5 यहाँ पे जाके डिवाइड, तो a = -6/5, a की वैल्यू आ गई -6/5। देखो भाई यहाँ पे 5/6 है गलत है, 6/5 गलत है, हमारा आंसर नेगेटिव है, तो -6/5 ये रहा, इसके ऊपर मैंने सर्कल कर दिया। जो पॉलिनोमियल के जीरोज हैं उनके ऊपर सर्कल करना था वो हमने कर दिया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन कहता है फाइंड द जीरोज, जीरोज बताइए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, भाई फर्स्ट वाला पार्ट है y + 1/2, फर्स्ट वाला पार्ट y + 1/2, इसको इक्वेट करेंगे जीरो से, 1/2 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि y = -1/2, ये हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। फिर सेकंड स्टार्ट करेंगे, सेकंड है 2x + 3, तो इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, 2x + 3 = 0, ये 3 यहाँ पे जाके माइनस, तो 2x = -3,
टू यहाँ पे जाके डिवाइड, तो एक्स इज इक्वल टू -3/2, ये हमारा आंसर है। एक्स का वैल्यू ही हमारा आंसर होता है, तो -3/2 हमारा जीरो है। फिर ये है पाई माइनस एक्स। देखो पाई माइनस एक्स में आप यहाँ पे लिख लो, ये जो पाई है ये कॉन्स्टेंट है, ये पाई जो है ये कॉन्स्टेंट है, और जो एक्स है ये वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होता है, तो हमें एक्स का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पार्ट पाई माइनस एक्स, इसको इक्वेट करेंगे जीरो से, ये पाई यहाँ पर जाके माइनस होगा, तो इसको लिखेंगे 0 - π। 0 - π का मतलब है -π, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जल्दीबाजी में यहाँ पर आपको x नहीं लिखना। यहाँ पे देखो ये माइनस एक्स है, इट इज माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस भी आएगा और यहाँ पे भी माइनस एक्स आएगा, फिर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x का वैल्यू आएगा सिंपल सिंपल पाई। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद लास्ट है फोर्थ, 5/2 - x, तो फोर्थ को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इट इज 5/2 - x, इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, आप इस एक्स को यहाँ पे ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5/2 इज इक्वल टू 0+x। 0+x करेंगे तो x आएगा, यहाँ पे 5/2 आ गया, इसको रिवर्स करके लिखना है, रिवर्स करके लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 5/2, तो ये हमारा आंसर आ गया। आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं, मैंने अपना 100% लगाया है आपको हर एक क्वेश्चन समझाने में, आइडेंटिटी समझाने में, और जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल बताने में। अब आपकी ड्यूटी है, सबसे पहले तो अपनी कॉपी को ओपन करो, और जो मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है उसको डाउनलोड करके अपनी कॉपी में सारे सॉल्यूशन कॉपी कर लो, और जो जो मिस्टेक थी वो अपने टीचर को बता देना। और साथ में सेकंड ड्यूटी है आपकी, अपने क्लास के स्टूडेंट को भी बताओ, अपने क्लास के स्टूडेंट के जो भी आपके दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दो। ठीक है, देखो अभी हमारा चैनल ना बहुत छोटा है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारा थोड़ा सा सपोर्ट करो, और हम धीरे धीरे करके थोड़ा 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 करके ग्रो हो जाएंगे। तो आप भी थोड़ा मेरा सपोर्ट करो, मैं आपको हर बार आपके वर्कशीट का सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, और हर बार आपको हैंड रिटन PDF भी दे दूंगा। हैंड रिटन PDF आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप डेफिनेटली हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, फटाफट से कॉपी कर लो ये वाला।